फंक्शन है मैथमेटिकल, जैसे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, ऐसे ही अपने लॉग भैया भी ये फंक्शन है। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंफिनिटी एजुकेशन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक तो था, वो न्यूमेरिकल करने थे अपने को किस पे, डेंसिटी फॉर्मूले पे। लेकिन उसको करने से पहले हमारे लिए लॉगरिथम को समझना बेहद जरूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा लॉग के बारे में, एंटी लॉग के बारे में कैसे देखते हैं, और फिर मैं बढ़ूंगा अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ जो कि डेंसिटी फॉर्मूला पे आते हैं पेपर में। तो सबसे पहले देखो, अगर अपने पास लिखा होता है लॉग 10, 100, तो इसको समझते ही होता क्या है। लॉग अपना एक फंक्शन है मैथमेटिकल, जैसे साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, ऐसे ही अपने लॉग भैया भी एक फंक्शन है। अब फंक्शन में क्या होता है, डोमेन होता है एक, क्या होता है, डोमेन होता है। तो इसका डोमेन होता है पॉजिटिव रियल नंबर, क्या होता है बोलो मेरे साथ, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब यहां देखो, इसको बोलते हैं, आप जो यहां लिखा होता है इसको बोलते हैं हम बेस, क्या बोलते हैं, बेस। ये हमारा ऐसा मान लेते हैं ये एक्स है, क्या है अपना, ये एक्स है। तो हम क्या करते हैं लॉग में, इस एक्स को बेस की पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। क्या समझे, मैं 100 को 10 की पावर्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो 100 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10^2 लिख सकता हूं ना, बोलो कैसे लिख सकता हूं मैं 100 को, 10^2। तो जो पावर होती है ना वही आंसर होता है, यानी लॉग 100 होता है अपना 2। समझ में आया लॉजिक, नहीं आया एक और एग्जांपल देखो, आएगा भाई, नई चीज है, थोड़ा सा टाइम लेगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबके साथ होता है। लिखा हुआ है लॉग 10, यहाँ पे 1000, तो हम क्या कोशिश करेंगे, 1000 को 10 की पावर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या कोशिश करेंगे, 1000 को 10 की पावर्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10^3, तो यानी कि आंसर कितना हो जाएगा मेरा, 3 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो और क्लियर होगा आपको, मैं लिखता हूँ लॉग बेस 2 8। अब मैं क्या करूंगा, इस 8 को जो है 2 की पावर्स में लिखने की कोशिश करूंगा। तो 8 को कैसे लिख सकता हूँ 2 की पावर्स में, 2^3, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। भाई ये बताओ मेरे को बात समझ आई। तो लोग सीधा सीधा डिपेंड करता है बेस क्या है अपना, हम इसको बेस की पावर्स में लिखने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे जहन में सवाल आना चाहिए, ये जो टेबल बनाई है ये किस काम की है, तो इसका भी यूज देखते हैं। देखो तो अब मान लो जैसे मैं था लॉग बेस 10, 100, मैं आपसे पूछू लॉग बेस 10, 2, तो अब मैं 2 को 10 की पावर्स में कैसे लिख सकता हूँ, क्या बता सकते हो, भाई नहीं बता सकते। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, हम 2 को 10 की पावर में कैसे लिखे, मैं 10 की पावर क्या लगाऊं कि मेरा आंसर क्या आ जाए, 2 आ जाए, आप वो एक्स बता सकते हो मेरे को, नहीं बता सकते। उसके लिए हम यूज करते हैं ये लॉग टेबल, क्या यूज करेंगे उसके लिए, हम ये लॉग टेबल यूज करेंगे। अभी मैं आपको देखना सिखाता हूँ कैसे देखते हैं लॉग, एंटी लॉग। उससे पहले लॉग की 3 प्रॉपर्टी है जो हम यूज करेंगे थ्रू आउट दी अपनी 12th, या आगे भी आप यूज करोगे कॉलेज में जब जाओगे। लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, इस प्रॉपर्टी का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ केमिकल काइनेटिक्स में। अपने पास अगर लॉग ए बाय बी, तो ये होता है अपना लॉग ए माइनस लॉग बी, और अगर अपने पास होता है लॉग ए रेस टू पार बी, तो ये होता है बी लॉग ए। ये 3 प्रॉपर्टी है जो हमारे काम की हैं। अब देखो लॉगरिथम का यूज कहाँ कहाँ करते हो, मैं आपको ये भी बता दूं अभी, लॉग का हम यूज वहां करते हैं जहां हैवी होती है मल्टीप्लिकेशन या फिर होती है डिविजन, ये 2 केस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। लॉग हम कहाँ यूज करेंगे, या तो अपनी हैवी मल्टीप्लिकेशन हो एक्सप्रेशन के अंदर, या फिर हैवी डिविजन हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन में भूल के भी मत यूज कर लेना, बेवकूफी वाली बात है, अपना एक काम बढ़ जाएगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो एक प्यारा सा एग्जांपल देखे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, आपको मैं कुछ एक्सेप्शंस भी बताऊंगा इसमें, ठीक है। तो अभी देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उसको देखते हैं। तो देखो मैं आपको लॉग की हेल्प से √121 कैलकुलेट करके बताता हूँ। भाई √121 कितना आता है, सारे ही जानते हैं कितना आता है, 11 आता है क्या। तो हम इसको लॉग की हेल्प से सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर 11 ही आता है कि कुछ और आता है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, y =
121 रेस टू पावर हाफ, रूट का मतलब यही होता है। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या करेंगे बच्चों, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हाफ कहां आ जाएगा आगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं मैं, लॉग ए रेस टू पावर बी, तो बी क्या आ जाता है अपना आगे आ जाता है। वेरी गुड, देखो अभी नया नया सीख रहे हो आप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से होती है इंपॉर्टेंट बात अपनी, सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इस वैल्यू को कन्वर्ट करोगे साइंटिफिक फॉर्म में, किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे बोलो, साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे इसको, साइंटिफिक फॉर्म सब बच्चे जानते हैं कि डेसिमल का होना चाहिए अपना फर्स्ट नॉन जीरो के बाद, तो कितना हो जाएगा ये 1.21 × 10^2। बात समझ आई, यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग की, लॉग ए इंटू बी, तो मैं इसको ऐसे लिख लू क्या, लॉग वाई, बताते चलना कमेंट में मेरे को, कोई चीज समझना है तो आपको, लॉग 1.21 प्लस लॉग 10^2। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 क्या हो जाएगा अपना आगे आ जाएगा। अच्छा अभी हम बात कर रहे हैं लॉग बेस 10 की, किसकी बात कर रहे हैं बोलो, लॉग बेस 10 की, तो हो जाएगा लॉग 1.21 प्लस 2 लॉग 10। लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा 1, हम बेस की बात कर रहे हैं 10 की, तो 10 को 10 की पावर में कैसे लिख सकता हूं, 10 की पावर 1 कितनी होती है, 10 ही होती है, तो लॉग 10 हो जाता है अपना 1। तो देखो आगे से हम सीधा ऐसा यूज कर ले क्या, कि जो भी यहाँ पे 10 की पावर होती है वो सीधा ऐड होती है, माइनस 2 होती है तो माइनस 2 आता है, यहाँ पे प्लस 2 है तो प्लस 2 आया है। बात समझ रहे हो, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा, कि जो भी 10 की पावर है वो सीधी ऐड कर देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉग वाई यहां देखो फिर हाफ, ये कितना हो गया 2 प्लस लॉग 1.21। तो अभी तक हमने टेबल का यूज नहीं करा था, अब टेबल का यूज करना पड़ेगा। देखो आप इसको कैसे देखोगे, 1.21 को आपको पहली दो डिजिट देखनी है ऐसे, उसके बाद थर्ड डिजिट देखनी है ऐसे, तो मैं इसको कैसे देखूंगा 12K1 पे, तो यहाँ टेबल मेरे को नहीं पता, शायद से नहीं दिख रही होगी आपको ना क्लियर, तो 12K1 पे लिखा है देखो यहाँ पे 0828, क्या लिखा है 12K1 पे 0828। लॉग टेबल डाउनलोड कर लेना आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जब देखोगे 12K1 पे तो इस टेबल में लिखा हुआ है अपना 0828, तो 2 प्लस 0828। अब देखो जो लॉग टेबल वैल्यू देती है ना, वो देती है डेसिमल वैल्यू, क्या देती है आपको डेसिमल, जिसे लॉग अपनी भाषा में कहता है मेंटिसा, क्या कहता है लॉग मेंटिसा कहता है। तो यहां पे आप लगा दोगे डेसिमल, जो भी वैल्यू है उसके आगे डेसिमल लगा देना बस, बाकी सब ओके है। तो यहां से देखो लॉग वाई क्या हो जाएगा अपना हाफ, ये हो जाएगा अपना 2.0828। अब इसको क्या कर देंगे हम, हाफ कर देंगे क्या, 1.0414 आ जाएगा। अब लॉग को हटाने का तरीका है एंटी लॉग, ये लॉग हमने अपनी तरफ से लगाया है यहाँ पे, तो क्या करेंगे दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो यहाँ तो लॉग हट जाएगा, तो वाई क्या आ जाएगा अपना एंटी लॉग ऑफ, वेरी गुड, 1.0414। देखो एंटी लॉग क्या कहता है, जो आपका ये इंटीजर पार्ट है यानी कि ये 1 डेसिमल से लेफ्ट साइड वाला, ये सीधा लिखते हो आप 10 की पावर में, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, आपसे जो डेसिमल है उससे जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो सीधा जाता है 10 की पावर में। बात समझ आई, और अब देखो यहाँ पे ये जो डेसिमल के बाद पहली दो डिजिट है ये एंटी लॉग में देखोगे आप ऐसे, थर्ड डिजिट देखोगे ऐसे, फोर्थ डिजिट भी देखते हैं ऐसे, मैं बताता हूं देखो कैसे। तो ये एंटी लॉग टेबल के साथ में पहली दो डिजिट क्या है अपनी 04, तो 04 में गए हम, 04 के किस पे देखेंगे 1 पे, 04 के 1 पे लिखा है 1099, कितना लिखा है 1099। अब 04 के 4 पे देखेंगे, लेकिन जो 4 देखना है ना वो छोटी टेबल इधर मीन डिफरेंस करके उसमें देखना है, तो 04 के मेन डिफरेंस वाली टेबल में किस पे देखोगे आप 4 पे देखोगे, 4 पे लिखा है 1, और उस 1 को आप इसके लास्ट में क्या कर दोगे ऐड, तो कितना हो जाएगा 10 10 1 1,
हो गया 1100। अब एक बात बताओ, जब हमने लॉग देखना स्टार्ट करा था कहां गया ये? इसके बाद हमने वैल्यू किस फॉर्म में कन्वर्ट करी थी? साइंटिफिक में करी थी। तो जो एंटी लॉग से वैल्यू आती है वो भी किस में आती है? साइंटिफिक फॉर्म में। तो साइंटिफिक फॉर्म यानी कि पहले डिजिट के बाद क्या लगा देना आपने? डेसिमल। तो यहां पे देखो ये क्या है, 1.1 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा ये 11। बात समझ आई? वैसे भी क्या आता है अपना अंडर रूट 121 का 11। हमने इसको लॉग से सॉल्व करा और आंसर कितना आया 11। तो कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको, लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है। अब एक तो आपको स्पेशल केस बताता हूं एंटी लॉग के, जहां फंस सकते हो, ठीक है। ये केस देखो अपने पास, कभी मान लो आप लॉग वाई कैलकुलेट करो और वो नेगेटिव आ जाए, तो यहाँ पे बड़ा पंगा, यहाँ पे क्या हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग वाई इज इक्वल्स टू माइनस टू माइनस 0.4548। भैया नेगेटिव तभी तो आया होगा, ये दोनों नेगेटिव रहे होंगे, आपस में ऐड हुए होंगे। बात समझ रहे हो मेरी? तो लॉग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो डेसिमल पार्ट है ये होना चाहिए पॉजिटिव। क्या होना चाहिए बच्चों? पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या अपना डेसिमल पार्ट नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, वन की एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, मैं से करता हूं माइनस टू माइनस वन प्लस वन माइनस 0.4548। तो इससे हुआ क्या, वन में से इसको कर दो सब्ट्रैक्ट और इसको ऐसे लिख लू क्या मैं, माइनस थ्री। अब ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, 0. ये हो जाएगा टू, ये कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा अपना 4, और ये कितना हो जाएगा अपना 5। बात समझ रहे हो? अब इसको लिखते कैसे है, देखो इसको लिखने का तरीका है log y is equals to 3 बार 0.5452। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि इसका जो इंटीजर पार्ट है वो नेगेटिव है और जो इसका मेंटीसा पार्ट है वो पॉजिटिव है। बात समझ आई? तो अब यहाँ पे y क्या हो जाएगा अपना, शाबाश सीख गए यार तुम तो सब लोग, तो क्या हो जाएगा एंटी लॉग 3 बार 5452। अब देखो यहाँ पे डेसिमल से लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है, 3 बार यानी -3, तो 10 की पार क्या लगा दोगे सीधी यहाँ पे -3 चिपका दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हम एंटी लॉग टेबल से देख लेते हैं वैल्यू। तो इसको कैसे देखेंगे, पहले 0.54 पे जाएंगे, वेरी गुड। देन कहाँ जाएंगे, 5 पे, देन छोटी टेबल में 2 पे। तो देखो 0.54 के 5 पे देखते हैं पहले, 0.54 के 5 पे लिखा है 3508, यहाँ पे लिखा हुआ है 3508, और 0.54 के छोटी टेबल में 2 पे लिखा हुआ है 2, फिर 2 का ऐड हो जाएगा लास्ट में, तो कितना हो जाएगा ये 0153, तो ये क्या आ जाएगा अपना 3.510, क्योंकि हमें किसमें भी कन्वर्ट करना है उसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे को ऐसा लगता है आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है। बाकी अभी न्यूमेरिकल करते हैं, फिर एकदम ऐसे निंजा टेक्निक की तरह एकदम लगाएंगे लॉग एंटी लॉग, ठीक। तो देखें न्यूमेरिकल, क्वेश्चन रीड करते हैं। देखो कहता है सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इज 4.07 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर एंड डेंसिटी इज 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट दी एटॉमिक मास ऑफ दी सिल्वर। हमसे क्या कह रहे हैं आप, सिल्वर का क्या बता दे एटॉमिक मास। ये वाला क्वेश्चन काफी फेमस अवार्ड में, कभी कभी क्या आपसे एटॉमिक मास दे देगा और बोलेगा आप बताओ नेचर ऑफ दी लैटिस। नेचर ऑफ दी लैटिस का मतलब है वो ये पूछना चाह रहा है FCC है, BCC है या फिर सिंपल लैटिस बना रहा है। तो आपको याद करना है सिल्वर के केस में लैटिस कैसा होता है अपना, FCC होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, डेंसिटी फॉर्मूला याद है क्या सबको? डेंसिटी फॉर्मूला क्या कहता है, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम डिवाइडेड बाय एन ए इंटू ए क्यूब। तो यहां पे हम लॉग की हेल्प लेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। देखो हमें एम कैलकुलेट करना है, तो यहां से पहले एम का एक्सप्रेशन निकालो, एम किसके इक्वल होगा, डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय जेड, यही बात। आप दोनों साइड लॉग ले लो, तो लॉग एम ये क्या हो जाएगा, सीधा मैं लिख रहा हूं देखो, लॉग डी प्लस लॉग एन ए प्लस 3 log a, जहां ना समझ आए बताना मेरे को, डिवाइडेड डिवाइडेड तो आएगा ही नहीं, अब
माइनस लॉग जेड, ये ऊपर वाले क्या थे, तीनों मल्टीप्लाई में थे, तो तीनों क्या होंगे, ऐड होंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्यूब है तो पार कहाँ आती है, आगे आ जाती है, z डिवाइड में था तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक, अब ये तो मालूम नहीं हमें, उनकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो log n इज इक्वल टू डेंसिटी कितनी, 10.5। क्या 10.5 साइंटिफिक फॉर्म है? नहीं है, शाबाश। तो साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी इसकी, यही होगी क्या, 1.05 इंटू 10^1। एक डेसिमल कहां शिफ्ट करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड साइड। देन अपना ये एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10^23। ये तो साइंटिफिक फॉर्म है, ए की वैल्यू देखो पहले से ही साइंटिफिक फॉर्म में है, प्लस 3 लॉग 4.07 इंटू 10^-8। और क्योंकि ये FCC महाराज हैं तो जेड कितना होगा इनके लिए, 4 हो जाएगा, ये बात हम भली भांति जानते हैं। तो इसको देखो, मेरे को बताना है कि चीज 10 की पावर में सीधी ऐड कर रहा हूं, इसको कैसे देखूंगा मैं 10 के 5 पे, तो 10 के 5 पे लिखा है 0212, तो पहले मैं डेसिमल लगा देता हूँ, क्या लिखा है 0212, वेरी गुड। यहाँ पे क्या ऐड करूंगा मैं, 23, शाबाश। 60 के 2 पे, देन छोटी टेबल में 2 पे, तो देखो 60 खोल लेते हैं अपना, 60 के 2 पे लिखा है 7769, कितना लिखा है 7769, देन अगेन छोटे 2 पे लिखा है 1, तो कितना हो जाएगा ये 0077, तो कितना हो जाएगा ये 0.7770, वाओ जेम्स बॉन्ड, हाँ 777। इसके बाद देखो 340 के 7 पे, तो 40 के 7 पे देखते हैं क्या लिखा है, 40 के 7 पे लिखा है इन्होंने 6096, तो जाएगा 0.6096 माइनस 8। अच्छा सवाल आता है इसको कैसे देखेंगे सिर्फ 4 को, इसको हम देखेंगे 40 के 0 पे, देखो मैं 4 को ऐसे लिख सकता हूँ ना 4.00, तो कैसे देखेंगे 40 के 0 पे देखेंगे, 40 के 0 पे लिखा है 6021, तो 0.6021, बात समझ आई। अब थोड़े ब्रैकेट ओपन करना स्टार्ट करते हैं, कितना हो जाएगा 1.0212, देखो इसमें मिस्टेक मत कर देना वरना आंसर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, आप समझना ठीक है, जब लॉग लेने के बाद राउंड ऑफ मत करना बिल्कुल भी, अदरवाइज आपका जो आंसर आएगा और जो एक्चुअल आंसर है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आ चुका होगा, तो इसको मैं भी नहीं करता ऐड क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये कैंसिल होने वाला है, यहाँ पे कुछ कुछ मामला मल्टीप्लाई कर लेते फायदा रहेगा अपने को, तो ये देखो कितना हो जाएगा, 3 6 18, 3 3 27 और 1 28, और 3 6 18, ठीक। अब भाई मैं ऐसे कंफर्टेबल हूँ हिंदी में, आप अगर इंग्लिश में तो इंग्लिश में कर लेना कोई दिक्कत नहीं है, और ये जाएगा 3 8 24, ये जाएगा -0.621। तो पहले तो देखो ये 23 है, ये 24 है, माइनस वन बचेगा, क्या बचेगा, माइनस वन बचेगा, तो ठीक है अब मैं इनको लिख देता हूँ 102.2 प्लस ये अपने पास 0.770, ओहो एक साथ कहां से लग गया, तो 70 यहाँ पे तो यही बचने वाला है अपना, तो प्लस 1.8288, ठीक है, और यहाँ पे देखो कितना आ जाएगा माइनस वन, और ये जाएगा -1.6021। पहले बताओ ये वाली बात समझ आई सबको, आगे की कैलकुलेशन देखो मैं इधर कर देता हूं, खाली पड़ा है बोर्ड अपने पास, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 2, वेरी गुड, ओहो ये हो जाएगा 2, उसके बाद 7 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा 8, देन कितना हो जाएगा 7 और 2 कितना 9, देन 7 और 0 कितना 7, और ये 1.7 यही रहेगा, यहाँ पे सबट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से, इसको भी कितना आएगा प्लस 0. क्योंकि बड़ी वैल्यू ये है तो पॉजिटिव आएगा आंसर, वेरी गुड, तो जाएगा 0. देन देखो 8 में से 1 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 7, 8 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 6, 2 में से 0 सबट्रैक्ट करेंगे तो 2 ही आने वाला है, और 8 में से 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2,
और इनको ऐड कर लेते कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, 8 और 6 14, कैरी जाएगा 1, 3, 9 और 3 कितना 12, 1, 3 और 7 10, कैरी जाएगा 1, तो आ गया भैया ये log m प्यारा सा। अब हमें बात मालूम है इससे m कैसे निकालेंगे, इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एंटी लॉग वाला लेना पड़ेगा क्या, तो एंटी लॉग 2.0249। तो सीधा मैं क्या लिख दूं, 10^5 2 लिख दूं, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट में कितना लिखा है 2 लिखा है। यहां देखो कैसे देखेंगे, 02 के 4 पे और 02 के 9 पे, तो एंटी लॉग टेबल में आ जाते हैं और देखते हैं 02 क्या है अपना, 02 के 4 पे लिखा हुआ है इन्होंने 1057 और क्या देखना है हमें 02 के 9 पे, 02 के 9 पे लिखा हुआ है 2, तो 2 कर देंगे यहां पे ऐड, तो ये हो जाएगा अपना और यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल 1059, तो कितना आया है 105.9 ग्राम, समझ गए। वैसे 108 होता है तो थोड़ा सा कम आया है अपना जो डेटा गिवन है उसके हिसाब से, तो कोई इशू नहीं है। आप देखो यहाँ पे कुछ सीखे लॉग और एंटी लॉग को कैसे यूज करना है, कुछ समझ आया इस न्यूमेरिकल से, तो ये तो एक टाइप था अपना न्यूमेरिकल का जिसमें सिंपल ये फॉर्मूला यूज होता है। अब एक देखते हैं वो एनसीईआरटी वाला जो चालाकी करता है गिवन मास वाला, ठीक है देखे वो वाला एक बारी, तो पहले तो मेरे को ये बताना कमेंट में ये समझ आया कि नहीं आया, फिर आप देखते हैं वो गिवन मास वाला। क्वेश्चन रीड करो देखो, कहता है एन एलिमेंट हैज अ बीसीसी स्ट्रक्चर विद अ सेल एज ऑफ दिस, द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इज दिस, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ द एलिमेंट, बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने मिलेंगे 208 ग्राम में, ठीक है। एनसीईआरटी अपना मेथड लगाता है, जो उसने आंसर किया हुआ है कोटेड वो है 24.16 × 10^23। हम इसे अपने फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं और देखते हैं अपना आंसर कितना आता है, वेरिएशन देखते हैं कितनी आती है अपने फॉर्मूले में और एनसीईआरटी वाले मेथड में। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था गिवन मास और एटम्स वाला, वो क्या था, डेंसिटी इज इक्वल्स टू जेड इंटू क्या था यहाँ पे गिवन मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एटम्स, यही पढ़ा था हमने। तो हमें क्या निकालने है यहाँ से, एटम निकालने, तो पहले एटम का एक्सप्रेशन निकाल लेते ना, तो एटम इज इक्वल्स टू जेड इंटू गिवन मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब वेरी गुड इंटू डेंसिटी। अब क्या करेंगे दोनों साइड लॉग लेंगे, यहां देखो ये एज लेंथ है पीको में, डेंसिटी है ग्राम में, मास भी है ग्राम में, तो इसको हम ले आएंगे सेंटीमीटर में, तो अगर मैं सेंटीमीटर में लाता हूं तो पीको वैसे होता है 10^-12 मीटर, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा -10, ठीक भाई। तो अब यहां देखो जब लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग वेरी गुड एटम और यहां क्या हो जाएगा अपना लॉग जेड प्लस लॉग गिवन मास माइनस लॉग थ्री लॉग ए, क्योंकि ए थ्री का आएगा आगे आएगा प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग डी यही आएगा एक्सप्रेशन। तो यहां से देखो जेड कितना होगा, बीसीसी है ना, कितना पढ़ा हमने बीसीसी के लिए, 2 पढ़ा है क्या, तो कितना हो जाएगा लॉग 2, वेरी गुड। गिवन मास कितना है 208, 208 को किस में लिखेंगे, साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे का, तो ये हो जाएगा यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3 लॉग, इसको साइंटिफिक में ले आए 2 डेसिमल और किसके आने पड़ेंगे और ये हो जाएगा -8, लेफ्ट साइड शिफ्ट करोगे ना डेसिमल को इधर 2 करोगे तो 10^+2 जाएगी, -10 और +2 कितना बचेगा -8 बचेगा ना, माइनस लॉग डेंसिटी कितनी गिवन है 7.2 ऑलरेडी साइंटिफिक फॉर्म में, कोई इशू नहीं है। लॉग 2 को कैसे देखोगे आप, 20 के 0 पे, तो 20 के 0 पे लिखा हुआ है 0.3010, कितना लिखा हुआ है पॉइंट, ये लिखा हुआ है 3010, तो पॉइंट तो हम लगाएंगे। इसको कैसे देखेंगे 20 के 8 पे, 20 के 8 पे लिखा है 3181, कितना लिखा है 0.3181 और उसमें क्या ऐड कर दूंगा मैं, ये जो 10 की पावर होती है यानी कि 2 माइनस 3 इंटू 28 के 8 पे देखेंगे, 28 के 8 पे लिखा है अपना 4742, तो 4742 और क्या आ जाएगा सीधा सीधा -8। इसको कैसे देखेंगे बोलो 72 के 0 पे, वेरी गुड, देखो धीरे धीरे सीख लेना लॉग, देखना
72 के जीरो पे लिखा है 8573 8573। इतनी बात समझ आई। अब ब्रैकेट कर ले क्या ओपन, तो ये हो जाएगा अपना कितना बोलो 0.3010 प्लस ये कितना हो जाएगा अपना 2.3181 माइनस मल्टीप्लाई होगा ये कितना हो जाएगा प्लस 24। ये नेगेटिव आएगा कितना आएगा 3 दुनी 6 3 चौक 12 3 सत्ते 21 और 1 22 3 चौक 12 और 2 14। बात समझ आई हाँ, कितना जाएगा 3 दुनी 6 3 चौक 12 3 सत्ते 21 और 1 22 3 चौक 12 और 14। ठीक है, ये हो जाएगा अपना माइनस 0.8573। इन दोनों को ऐड कर ले पहले और यहाँ ऐड कर लेते हैं, देखो 24 इसको ऐड कर लेते हैं पहले इन दोनों को, तो ये हो जाएगा अपना 2 कितना जाएगा 2 पॉइंट में चलेगा 2.1 और 0.8 और ये कितना हो जाएगा 0 और 1 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस में 24 माइनस इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 6 और 3 कितना हो जाएगा अपना 9 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 और 1 और 1 2 24 और 2 इधर कर लेते हैं, बोर्ड अपना खाली पड़ा है इसको भी हटा देते हैं इधर से, जगह बन जाएगी थोड़ी, तो ये कितना हो जाएगा 26.6181 माइनस 2.2799। अब ये क्या चल रहा है अपना, ये लॉग एटम चल रहे हैं ना, लॉग एटम हाँ, तो ये कितना हो जाएगा ये देखो सब ट्रैक करते हैं, तो 11 में से इसको मैं लिख के ही कर लेता हूँ, क्या गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे भाई, कैलकुलेशन ठीक करना है इसमें, बस एक यही कंडीशन है। तो 11 में से 9 गए बचे 2 7 17 में से 9 गए कितने बचेंगे 9 10 में से 7 गया 3 5 में से 2 गया 3 और ये कितना 24 जाएगा 24.3392। बात समझ आई। अब क्या लेंगे एंटी लॉग, तो एटम कितने हो जाएंगे अपने एंटी लॉग ऑफ 24.3392, कितना लिखा डेसिमल के लेफ्ट में 24, तो सीधा सीधा 24 कहां लगा देंगे 10 रेज टू पावर में, इसको कैसे देखेंगे 33 के 9 पे, तो एंटी लॉग टेबल में आ जाओ 33 के 9 पे देखते हैं कितना लिखा है, 33 के 9 पे लिखा है भैया 2183, कितना लिखा है 2183 और फिर देखेंगे 2 पे 33 के ही छोटी टेबल में 2 पे लिखा है 1, इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा अपना 2.183। समझ रहे हो आप इतने एटम्स, और अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखें एक डेसिमल अगर शिफ्ट करोगे 2.416 × 10^24, तो इनका 2.4 है अपना 2.1 है, बाकी एकदम करेक्ट है, समझ लो, तो ज्यादा फर्क आता नहीं इस वाले मेथड से भी। पेपर में क्या है करोगे इतना अलाउड है आपको, पूरे नंबर मिलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ रहे हो। इसमें क्या है अपना टाइम बच जाता थोड़ा सा, बस कैलकुलेशंस का ध्यान रखना, कैलकुलेशन अगर करेक्ट होगी, हो सकता है यहाँ पे मेरे से कोई मिस्टेक हो गई हो, वरना अगर कैलकुलेशन करेक्ट होती है तो और भी पास आ सकता है आपका आंसर, जैसे यहाँ पे 2.4 है हो सकता है आपका आ जाए 2.3 आ जाए, तो अलाउड ऐसा कोई इशू नहीं है। तो होप आज जो हमने करा है यानी कि लॉग एंटी लॉग कैसे ये दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से इनको सॉल्व करना है, और एक और बात बताऊं मजे की मैं आप लोगों को, इस न्यूमेरिकल के साथ में चॉइस होती है थ्योरी की, अगली क्लास में देखेंगे डिफेक्ट अपना एक टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आता है थ्योरी का, वो इसके साथ चॉइस में आता है, तो इच्छा आपकी अगर आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप इसके साथ जा सकते हो, अदरवाइज आप थ्योरी पोर्शन के साथ जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही है, अगर आपको ये समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बेल आइकन को फोड़ देना है और दोस्तों के साथ शेयर करना, क्यों क्योंकि बचपन से नहीं पढ़ा आपने शेयरिंग इज केयरिंग। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।